नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पे बहुत सारी पतंगे उड़ेंगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे कन्ने बांधे, और छत से अलग कन्ने होते हैं और जब आप क्लब में लड़ाते हो उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। दोस्तों देखिए, ये है मेरे पास अभी पोनी पतंगे, ठीक है। पहले मैं आपको पोनी पतंग के कन्ने बांध के बताऊंगा कि कैसे बांधने हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले सुराख करने के लिए मैंने पेचकस का यूज़ किया है। यहाँ सुराख करूँगा मैं, पहले मैंने यहाँ किया और मैंने इधर कर दिया। ठीक है, ये देख लीजिए, और यहाँ से ऐसे नापा और यहाँ पे इससे थोड़ा सा यहाँ मैं यहाँ रखूँगा इसको। दोस्तों यहाँ पे यहाँ रखूँगा मैं इसको। पोनी पतंग है, थोड़े बड़े बांध देंगे ताकि भारी उड़े, ठीक है। ये रखे यहाँ से, ये देख लीजिए, पोनी के यहाँ और थोड़े से यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ जो होता है ये स्टैंडर्ड साइज होता है, ये वाला। ये सब जगह काम आता है, तेज़ हवा में भी, मंदी हवा में भी, ठीक है। अगर आप को थोड़ी और भारी पतंग चाहिए है उसके लिए मैं बताऊंगा तेज़ हवा में कैसे कन्ने बांधे, वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी ये यूज़ कर लेते हैं सद्दी का। ये है दोस्तों हमारे पास सद्दी। सद्दी के कन्ने बांधने का फ़ायदा भी बताऊँगा और मांझे से क्यों नहीं बांधने चाहिए और कौन लोग बांध सकते हैं वो भी बताऊँगा। देखिए मैं भी आपको बता देता हूँ, इधर से पहले हमने जो शेप किए थे उसमें से निकाला, इधर ऐसे निकाल लिया, ठीक है। इधर से वापस इसमें से ये वापस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने निकाल लिया ऐसे। ये देखिए, अब इसको एक बार और निकालेंगे दोस्तों, इसमें से एक बार और निकालेंगे। रीज़न बताऊंगा क्यों निकालेंगे। ये देखिए, मैंने एक बार और निकाल लिया है इसमें से एक बार, वो ये ऐसे, ये देखिए मैंने यहाँ से एक बार और निकाल लिया है, ठीक है। अब इसको मैं वापस इसी से अंदर से निकाल देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने डबल कर दिया दोस्तों, ये देखिए। इससे ना आपका ये जो कमान है बिल्कुल हिलेगी नहीं, और अगर कमान हिलेगी नहीं तो बहुत अच्छी आपकी पतंग चलेगी। ये मैंने मार दिए गाठ इस पर, ये देखिए, ठीक है। मैंने डबल बांधे हुए हैं, सिंगल में बांधता नहीं हूँ। सिंगल करना कई बार तेज़ थपकी में टूट जाते हैं कई बार, तो मैं हमेशा डबल ही बांधता हूँ। वो सद्दी के ऊपर डिपेंड होती है, अगर सद्दी अच्छी वाली है तो टूटती नहीं है। ये तीन नंबर सद्दी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इधर ये सिंगल ही मार देता हूँ इधर से, ये ऐसे, ये सिंगल। और ये बांधने के बाद अभी लगा देते हैं टेप। ठीक है दोस्तों, अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को टेप कहाँ कहाँ मारनी है। देखिए, जब आप पतंग बनाते तो ये टेपिंग भी कर लीजिएगा, यहाँ यहाँ और ये, ताकि ये कहीं भी लगे तो आपकी फटे नहीं, ठीक है। 15 अगस्त की तैयारी तो अगस्त में होगी, अभी जो जल्द ही आ जाएगी। मैं इसको, ये देखिएगा, यहाँ पे टेप लगाऊंगा यहाँ पे, ताकि ये कन्ना जो है यहाँ फिक्स हो जाए और आगे पीछे सरके ना ऐसे, ठीक है। मैंने इसको अच्छे से टेपिंग कर दिया, ये देखिए,
ठीक है। अब मैं इसको ऐसे रख के यहाँ पे रखूँगा ऐसे, और बैलेंस देखूँगा यहाँ पे इतना रखूँगा, ये रखूँगा मैं दोस्तों, ये देखिए आप, ये इतना, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा यहाँ करूँगा, मान लीजिए जैसे मैंने इसको जितना आगे करूँगा यहाँ पे, जितना मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा यहाँ, तो पतंग ज़्यादा चक्कर काटेगी, ठीक है। जितना ऊपर बांधूँगा यहाँ, मान लीजिए मैं बिल्कुल यहाँ बांध देता हूँ यहाँ पे, ये इतना लंबा, ये देखिए, ये देख रहे आप लोग, ये देखिए इतना लंबा बांधूँगा, तो आपकी पतंग खड़ी रहने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो कोशिश करिए थोड़ा यहाँ रखिए, ठीक है। और छत से लड़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कन्ने को आगे रखिएगा ऐसे, यहाँ थोड़ा आगे रख के तब ऐसे गांठ मार दीजिएगा, ये आपके हो गए बढ़िया कन्ने तैयार, ठीक है। ये आपके बढ़िया कन्ने तैयार हो गए, ये देख लीजिए, ठीक है। छत से पतंगबाजी कर रहे हैं तो यहाँ से काम मोड़ेगा, यहाँ से, यहाँ से नहीं मोड़ेगा, जो आप सिर से मोड़ते हैं, कोशिश करेगा इतने हिस्से में ही काफ को मोड़े आप, इतने हिस्से में, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे, बस ये काफ़ी मुड़ गया, आप देख सकते हैं अब ये पतंग अच्छी चलेगी, ठीक है। ये है पोनी के दोस्तों, ये पोनी पतंग में आप कैसे बांध सकते हो। अब बात कर लेते हैं मंझोली की, मंझोली में भी आप अपने तरीके से बांध सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है आप कैसे बांधोगे। देखिए ये मंझोली पतंग है, पहले मैं इसमें थोड़ी सी आपको टेपिंग करके दिखा देता हूँ कि कैसे टेपिंग करनी है, ठीक है। मैं बता देता हूँ टेपिंग कब करें और कब ना करें, वो भी बताऊँगा आप लोगों को, पूरी वीडियो में बने रहिए, ठीक है दोस्तों। अभी ये देखिएगा, ये मैंने थोड़ी सी तोड़ी है, और यहाँ पे इस कोने पे, इस कोने पे देखिए मैं बता देता हूँ कैसे लगाऊँगा। ऐसे किया, यहाँ ऐसे चिपकाइएगा इसको, ठीक है, ऐसे, ये इसको ऐसे, और ये ऐसे अच्छे से चिपक गई है, ये आपका कोना यहाँ से बढ़िया से कवर हो गया, फटेगी नहीं। ऐसे ही दूसरी साइड भी लगाएंगे हम, ये दिखा देता हूँ कहाँ से लगाने हैं, वो ये दिखा देता हूँ, ये मैंने ये देखा इस साइड में लगा लेता हूँ, ये इस साइड, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे की बिल्कुल ऐसे, फिर इसको ऐसे मोड़ दिए और इसको ऐसे, ये देखिए ये आपकी बढ़िया सी टेपिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ भी टेपिंग लगा देते हैं, मैं यहाँ भी टेपिंग लगा देता हूँ इसको, यहाँ यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मैंने टेपिंग लगा दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब जहाँ जहाँ लगानी है टेपिंग वो एरिया दिखा दो, पहले लगाऊंगा जो ये आपकी कमान है दोस्तों, इसके आसपास ही लगाइएगा इस तरीके से, ठीक है, कमान के आसपास ही लगाइएगा, देखिए ये जैसे ये कमान निकली हुई है, अब आप देख लीजिए ये निकली हुई है यहाँ से कमान, तो मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ी सी अंदर रख के ऐसे दबा के तभी टेपिंग लगाऊँ, ऐसे ये मैंने दबा के इस कमान को अब टेपिंग कर दी है, ये देख लीजिए मैंने इसको थोड़ी सी दबा के टेपिंग की है ताकि ये भागे ना इधर उधर, ठीक है, ये देखिए। अब बात कर लेते हैं, अगर यहाँ जैसे ये जॉइंट खुले हुए हैं, मान लीजिए ये अगर खुला होता तो मैं यहाँ भी टेपिंग मार देता, ठीक है। अब ये मंझोली पतंग है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जो 15 अगस्त होता है और जो मकर संक्रांति होती है और कई जो फेस्टिवल होते हैं जिन पे ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं, वहाँ पे क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वहाँ पे थोक के भाव में पतंगें उड़ती हैं, थोक के भाव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा,
तो आप टेपिंग वगैरह में टाइम ख़राब ना करेंगे, आपको ही पता है सीधी उड़ानी है या तो कटनी है काटनी है, दो ही काम होते हैं। तो आपको उस टाइम पे सीज़न पे लगाने की ज़रूरत नहीं है टेपिंग वगैरह, ठीक है। हाँ अगर आप लगाना चाहें तो एक दिन पहले लगा सकते हैं। इसमें भी यहाँ सुराख करेंगे एक और एक इधर, ये देखिए ठीक है, आगे पीछे इधर में से भी दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पोनी पतंग थोड़ी भारी करनी है तो यहाँ फुल कन्ना बांधेगा, यहाँ पे ये जो इसके जहाँ पे टेपिंग जहाँ से ये बना रखते हैं लास्ट टेल के थोड़ा सा इंच 4 इंच के ऊपर आसपास ऐसे, ये होता है फुल कन्ना। यहाँ पे 1 2 3 से उड़ाएंगे, बहुत बढ़िया काम करते हैं ये होता फुल कन्ना। ये कम हवा में बांधने के काम आता है, ठीक है दोस्तों। कम हवा है तो पतंग को थोड़ा भारी कीजिएगा, ऐसे बना के पूरा कन्ना बांधेगा और गद्दा मार के देखेगा अपोनेंट की पतंग के ऊपर, ऐसे भाग के उछल के जाएगी ना उसकी अलग ही बात होती है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप 15 अगस्त को उड़ा रहे हो और या जैसे भी मकर संक्रांति आ रही है तो आपको किस किस पे उड़ानी है। देखिए ये मैंने सर्दी ली हुई अपनी पहले ही बना के रख रखी है मैंने, अब मैं जाहिर सी बात है मकर संक्रांति पे उड़ाऊंगा, तो कोशिश मेरी रहेगी भाई ज़्यादा पतंगे उड़ाएं और टाइम ख़राब ना करें, ठीक है। तो कई बार क्या होता है एक गांठ ऐसे मारी तुरंत मैं यहाँ से इसको खींच के भी ऐसे बांध सकता हूँ, ठीक है। एक गांठ ही सिंगल, ये देखिए सिंगल गांठ में पूरी टाइट कर ली, पर वो जो डबल में बात होती है दोस्तों वो अलग ही होती है। ये देखिए टाइट तो इसमें भी हो गई है, वो कन्ने कब बांधे जाते हैं ये वाले डबल वाले, ये डबल कन्ने, ये डबल कन्ने दोस्तों जब क्लब प्ले फाइट पतंग की फाइट फाइटिंग करते हैं ना तब वो अपनी पतंग की चाल खराब ना हो इस चक्कर के लिए पतंग को अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है। अब जैसे मकर संक्रांति है आपको तो बस पतंग उड़ानी है, चाल हो या कैसी भी हो, जैसे लोग बाग हमें देखे हैं बच्चे भी पतंग उड़ाने से मतलब होता है उनको, ठीक है। अब सिंगल सिंगल बांध दिया, इधर भी सिंगल बांध दिया और इधर भी सिंगल बांध दिया, ये ऐसे ये देखिए यहाँ पे ऐसे गांठ मार दिया, यहाँ भी टेपिंग कर लेंगे। यहाँ जरूर लगाइएगा दोस्तों टेप, और चाहे आप कहीं लगाओ या मत लगाओ यहाँ जरूर लगाइएगा। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए अब मैं इसको यहाँ बांधूंगा, अगर मान लीजिए दोस्तों ऐसे बांधा मैंने इतना आगे करके, देखिए आपको इतना आगे करके, अगर मैं इसको और आगे करूँगा यहाँ पे तो ये हो गई तेज़ हवा के लिए तैयार। तेज़ हवा में आप और भी छोटे कन्ने बांध सकते हैं, मतलब यहाँ सुराख किया फिर इतना छोटा बस, ये फुल तेज़ हवा में होती है उसमें आपकी खींच तेज़ होनी चाहिए तभी अच्छा रिजल्ट देगी। यहाँ 2 सुराख कीजिए और सीधा यहाँ बांध दीजिए, तेज़ हवा के लिए है, तेज़ हवा मतलब अच्छी तेज़ हवा होनी चाहिए, ठीक है। जब हवा मीडियम है तो आप यही रखें कन्ने मंजोली में, इतने ही रखें दोस्तों, या थोड़े से छोटे कर सकते हैं यहाँ पे बस, ठीक है। और छत के लिए बताया है मैंने आपको, थोड़ा सा हमेशा आगे रखेंगे ऐसे हल्का सा, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं बस इतना ही, बस ये वाला, ये देखिए ज़्यादा आगे हो गया, ये स्टैंडर्ड साइज हो गया, अब ये स्टैंडर्ड साइज है, इसको यहीं पे फिनिश कर दिया हमने, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये हमारा कन्ना तैयार हो गया, ठीक है। और जब अद्धी में बांधेंगे, अद्धी के भी दिखा देता हूँ अद्धी में कैसे क्या बांधना है, ये देखिए दोस्तों ये अद्धी है, इसमें मैं यहाँ सुराख करूँगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सुराख कर दिए, और यहाँ से एक बिलान यहाँ पे बस यही रखूँगा, ये अद्धी है, ये देखिए ये मैंने अद्धी में बांध दी, ठीक है।
यदि में एक ही साइज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखिए एक ब्लांद के ही है बस, ठीक है। इतना ही साइज रखा मैंने अद्धी में, बस इतना, ये देख लीजिए, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों, अब लोग कहते हैं सद्दी से कन्ने क्यों बांधने चाहिए। देखिए सद्दी से बांधने के फ़ायदे एक हैं, एक दो नहीं कई फायदे हैं। एक तो आपकी पतंग का बैलेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा आपके मांजे में बल नहीं आते, कई बार आपने देखा होगा चाइनीज मांजे से कन्ने बांध देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ जो मैंने की हुई है, ये देखिए, ये मैंने चाइनीज मांजे से बांधे थे कन्ने जानबूझ के, दिखाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, ये चाइनीज मांजे से कन्ने बांधे गए, ठीक है। जब मैंने इससे 1-2-3 से उड़ाया तो क्या हुआ, यहाँ जब गाठ मारते हो आप, जैसे ये 1-2-3 की डोर है, ये रही अपनी 1-2-3 की डोर, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ बांधूंगा ना, ये यहाँ पे ऐसे, जब मैं इसको यहाँ गाठ लगा रहा हूँ, जब मांझे से बांधने से क्या नुकसान है, ऐसे गाठ में ना ये देखिए अपने आप में ही कट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम झटके मारते पतंग को कई बार टूट जाती है, वो कन्नों से टूटती है, तो इसलिए हमें लगता है कि भाई कि मांझा ख़राब है, पर मांझा ख़राब नहीं होता, वो देखिए थोड़ा रगड़ने के कारण ऐसे कट जाते हैं वो, ठीक है। सद्दी में क्या होता है, मांझा कटता नहीं है, अच्छे से बैठ जाती है दोस्त, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, अब जैसे ये सद्दी में, जैसे हमने सद्दी में बांधे हुए, ठीक है। अगर मैं इसमें ये मांझा बांधूँगा ना कॉटन का, ये देखिए इसमें अच्छे से बैठेगा, जैसे ये अच्छे से बैठ गया, हिलेगा भी नहीं। अब ये देखिए, कहीं कोई टूटने का चांस है, अब झटका ज़्यादा मारा तब टूटा मैंने, ठीक है। ये देखिए ऐसे बांध के सीधा डायरेक्ट आप उड़ा सकते हो ऐसे, ठीक है, बढ़िया से रेडी हो जाएगी आपकी पतंग। अब मैं इसको तोड़ देता हूँ, ये फ़ायदा है दोस्तों सद्दी से कन्ने बांधने का। अगर आप चाइनीज मांझे से उड़ा रहे हो तो उसकी तो फिर बात ही अलग है दोस्तों, उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि आप सीधा उससे डोर बांधिए, चाइनीज मांझे से कन्ने बांध लेते हैं आप, उसी से उड़ा लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको ये है, चाइनीज मांझा मजबूत होता है, वो टूटता है नहीं, आपस में कटता भी है या नहीं, लेकिन कॉटन या मांझे से अगर आप उड़ा रहे हो तो दोस्तों मैं तो कहूँगा सद्दी से ही कन्ने बांधने चाहिए हमेशा, उससे आपकी चाल भी अच्छी रहती है। हाँ बस ये है, कई बार पतंग उड़ाते समय हमारी कट जाती है, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि कोशिश कीजिएगा कन्ने बांधे हमेशा सर्दी से ही। इसमें मैं बांध के दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसे, इसमें मैं डबल कर रहा हूँ, कुछ पतंगों में आप डबल कर लीजिएगा जो आपको अच्छी चलानी हो, बढ़िया बनानी हो, ठीक है। ये मैंने जैसे डबल कर लिए हैं, अब मैं इसको गांठ मार देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने बना ली है स्टैंडर्ड साइज के, बांध के दिखा देता हूँ, ये हो गए कन्ने तैयार, ठीक है। और मैं इसको बांधूंगा यहाँ, इतना छोटा रखूंगा दोस्तों, थोड़ी चक्कर ज़्यादा, अगर मेरे थोड़े और ज़्यादा चक्कर चाहिए तो छोटा रखिए पतंग को, इतना चक्कर ज़्यादा आएंगे बहुत ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जैसे टेपिंग वगैरह ज़्यादा कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा पीछे वजन हो जाए और चक्कर आ जाए और ज़्यादा आए, ठीक है। मैं इसको यहीं पर रख देता हूँ, बस यही स्टैंडर्ड साइज चलता है, ठीक है। ये देखिए टेपिंग करूँगा जरूर, कई पतंगों में करनी है मेरे को, जैसे यहाँ भी टेपिंग करनी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने आपको दोनों तीनों तरीके के बता दिए, तेज हवा में कहाँ बांधनी है दोबारा एक बार बता दूँ, यहाँ से अगर ज़्यादा तेज हवा है यहाँ से यहाँ, ठीक है दोस्तों, मीडियम हवा है यहाँ से यहाँ, तेज थोड़ी ज़्यादा तेज है तब भी चल जाएगी यहाँ पे, एक ब्लांद ऐसे, मतलब ऐसे रखिए
यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ, बस हवा कम है ठीक है, पतंग में थोड़ी सी भारीपन लाना है तो फुल कन्ने बांध देगा यहाँ, बढ़िया चाल चलेगी एक झटके में ही, क्योंकि जितने पतंग भारी चलते हैं मेरे को तो मज़ा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये पोनी पतंग है, इसमें भी मैं बता देता हूँ, इधर इधर दोनों साइड यहाँ से इतना, और ये यहाँ लगाऊंगा, ये स्टैंडर्ड साइज होगा ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सद्दी से बांधेंगे, जिनके पास सद्दी नहीं है जाहिर सी बात है चाइनीज़ मांझा है तो चाइनीज़ मांझे से बांधेंगे। अब मैं मेकर से और सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आप भी बताइएगा कमेंट करके मुझे ज़रूर, अगर कॉटन मांझा है जो कॉटन का मांझा है वो अगर ऐसे ही महंगा होता रहा तो कितने लोग पतंग उड़ा पाएंगे कॉटन मांझे से, मेरे को ये बता दीजिएगा। जिस तरीके से कॉटन मांझे का प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो जिनके पास बजट कम है तो वो जाहिर सी बात है चाइनीज़ मांझा ही उड़ा रहे हैं, इसलिए ये चाइनीज़ मांझा ज़्यादा उड़ रहा है कॉटन मांझे की तुलना में ठीक है। जैसे चाइनीज़ मांझा आता है आपका 400-500 रुपये का एक गट्टू आता है, यानी उसमें आपकी 6 रील 3 रील ये निकल जाती है, 4 रील भी निकल जाती है ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन से वाला ले रहे हो। कॉटन मांझा ऐसे अगर 6 रील अगर किसी कारीगर का ले रहे हो आप जिसका नाम चल रहा है तो जाहिर सी बात है आप 2000 रुपये के आसपास मान के चलिए, अच्छे कारीगर का कह रहा हूँ मैं, अच्छे कारीगर कोई भी हो सकता है जिसका भी नाम चल रहा है, नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, कोई भी हो सकता है जो खुद बना रहे हैं उनके काफ़ी सस्ते भी हैं दोस्तों, 2-3 लोग हैं जो काफ़ी अच्छा मांझा बनाते हैं सस्ते रेट में भी ठीक है, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, आप ढूंढ लीजिएगा वीडियो में मैं बता दूंगा कौन कौन है सस्ते सस्ते मांझे का भी, हम जल्दी वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। इसलिए चाइनीज़ मांझा ज़्यादा बढ़ रहा है अभी, हर जगह चाइनीज़ मांझा उड़ता है, तो मेरा मेकर से और जो मांझा बनाने वाले हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि 6 रील में ना देके आप कोशिश कीजिए 2 रील में भी निकाल दें, 3 रील में भी निकाल दें, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो कम से कम ले के इन फेस्टिवलों को जो मकर संक्रांति हो गए और 15 अगस्त हो गए जैसे 26 जनवरी हो गए इन पे अपना इन्जॉयमेंट कर सके ठीक है दोस्तों, मैं यही कहूँगा। अब जो कॉटन से उड़ाते हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ क्या क्या उनको अलग से सद्दी लेनी पड़ती है, जैसे ये सद्दी है मैं दिखा देता हूँ मैंने कौन सी वाली सद्दी ली हुई है, ये है दोस्तों मेरी 3 नंबर की सद्दी ठीक है, ये वाली मेरी 3 नंबर की सद्दी है, यही वाली ली हुई है मैंने, ये वाली ये 3 नंबर की सद्दी है दोस्तों, ये देख लीजिएगा ठीक है। जो कॉटन से उड़ाते हैं उनको अलग से पहले सद्दी लेनी पड़ेंगी, इनके पैसे अलग से देने पड़ेंगे, जो चाइनीज़ मांझे से उड़ाते हैं वो सीधा 400-500 रुपये खर्च करते हैं और 6 रील के आसपास उनको गट्टा मिल जाता है, इसलिए चाइनीज मांझा ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। कोशिश कीजिएगा एक ये मुहिम आप लोगों के थ्रू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो मांझा बनाने वाले उनके तक पहुँच सके और फेस्टिवल को एंजॉय कर सके ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।